बहुत से लोग कहते हैं कोई साबुन से धोए, कोई अल्कोहल से धोए, सब्जियों को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करें इसके बारे में, सब्जियों को कैसे सेफ रखें? सबसे पहले तो जो हम सामान बाहर से लेके आते हैं उसको किसी बैग में लेके आएं और घर में घुसने से पहले उस बैग को पहले खाली करें। सब्जियों को ठंडे पानी में और या तो रनिंग वाटर में हम उनको धोएं। बहुत से लोग कहते हैं कोई साबुन से धोए, कोई अल्कोहल से धोए, सब्जियों को ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ सब्जियों को आपको ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि पालक है, पालक को आपको अच्छी तरह से पानी में धोना है और कुछ नहीं तो ताकि उसके बाकी के कीटाणु ख़त्म हो जाएं। इसके बाद ज़रूरी ये है कि हम खाने को अच्छी तरह से पकाएं। पकाने से जो टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा जब जाता है तो जितने भी कीटाणु खाने में हैं वो मर जाते हैं। उसके बाद रही बात स्टोरेज की, पकाए हुए खाने को ठीक तरह से कंटेनर में डाल के बंद करके फिर फ्रिज में रखना है। फ्रिज में भी कुक्ड फूड और अनकुक्ड फूड को अलग अलग रखिए और कुक्ड फूड को जहाँ तक हो सके कंटेनर्स में बंद करके रखिए। दूध के पैकेट घर में आते हैं, दूध के पैकेट को आप केवल पानी में धो सकते हैं। ज़्यादा अगर आपको सेफ्टी चाहिए तो साबुन पानी में धो सकते हैं और उसके बाद आप उससे दूध निकाल के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। With over 1 lakh medical experts and the facility to teleconsult, experience clinic-like consultations on Practev.